हेलो एवरीवन, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। और इस रिपब्लिक डे पर आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ भी है, बहुत अच्छी वाली। इतने दिन से हम सभी लोग परेशान हैं, जो कि रेलवे एनटीपीसी के सीबीडी 2 के लिए, जो कि गलत रिजल्ट या जिसका हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ चला गया था, या एक ही स्टूडेंट का रिजल्ट कई कई बार, तीन तीन बार, चार चार बार दे दिया गया था, तो वो सारी जो गड़बड़ी थी रिजल्ट में उसको देखते हुए भाई आप लोग का जो सीबीटी 2 की जो डेट्स आ गई थी एग्जाम की, एनटीपीसी सीबीटी 2 की 14 फरवरी से 18 फरवरी तक, उसको अभी फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है, यानी कि पोस्टपोन कर दिया गया है। रेलवे मिनिस्ट्री का ये जो ऑफिशियल नोटिस है वो आ चुका है। और जो ग्रुप डी के बारे में भी कई सारी चर्चाएं हो रही थी, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही अनाउंस किया गया था कि ग्रुप डी में भी अब सीबीटी 2 होगा, इंट्रोड्यूस किया गया था नया पैटर्न, उसको भी फिलहाल के लिए अभी होल्ड पे डाला गया है। एक न्यू कमेटी बनाई जाएगी इन दोनों चीज़ों को देखने के लिए, जिसमें दोबारा से छात्रों की बात को सुना जाएगा और दोबारा से इसकी जांच की जाएगी, और सारी चीज़ें जो हमारे सामने निकल कर आएंगी वो हमें कुछ दिन के बाद पता चलेगा। तो फिलहाल के लिए हमारे पास अच्छी खबर यही है कि एनटीपीसी सीबीटी 2 जो है अभी नहीं होने वाला 14 से 18 फरवरी के बीच में, एंड ग्रुप डी का एग्जाम भी, उसमें सीबीटी 2 होगा या नहीं होगा, किस तरीके से वो हमारा एग्जाम करवाएंगे, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, वो सारी चीजें भी हमें कुछ दिन बाद पता चल ही जाएंगी। तो गाइज, आज जो है वो सच में बहुत बड़ा खुशी का मौका है। सो आप सभी को एक बार एक फिर से मौका मिला है, कुछ दिन और हम लोग अच्छे से बेटर तरीके से तैयारी करें, ताकि हमारी जो इतने सालों की मेहनत है वो बर्बाद नहीं जाएगी। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट सभी को, एंड हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल।